हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे इस वीडियो में करना पड़ा है वॉइस ओवर, क्योंकि अभी सब सो रहे थे और अगर मैं ज़ोर ज़ोर से बोल के ब्लॉगिंग करती तो क्या नाम कहते हैं, लड्डू जग जाता और फिर मेरा काम रह जाता है। इसीलिए अब तो आज पहले सुबह सुबह क्या काम करते हैं, पहले मैं रूम सेट कर, देखो कैसे रूम फैला पड़ा है, बिल्कुल बिखरा पड़ा है, क्योंकि सारे में कपड़े कपड़े और रखेंगे। कल शाम को कपड़े धोए थे लेकिन वो सूखे ही नहीं थे रात को, तो इसलिए अब उनको दोबारा से सुखाना पड़ेगा और जो सूख गए हैं उनको फोल्ड कर देंगे। तो फटाफट से कर लेते हैं सारी की सारी तैयारियां इससे पहले कि लड़ और ये लड्डू जी महाराज जुट गए हैं और हम छत पे भी एक राउंड लगाए आए हैं और लड्डू बहुत देर से कोशिश कर रहा है, अरे कुछ तो बाहर आ जाए, इसमें से निकल के क्या चीज़ है ये। तो हम सब बिल्कुल रेडी होके पहुंच गए हैं आगे वाले घर में कहानी सुनने के लिए, इसलिए उसके बीच का जितना भी व्लॉग है मैं नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि लड्डू इतना परेशान कर रहा था और मुझे रेडी होना था जो मैं बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। और मैं शाम को 3 बजे रेडी हूँ, 3:30 बजे। और खाने सुन के वापस आके ते ही लग गई हूँ खाना बनाने की तैयारी में कि फटाफट से खाना बन जाए, क्योंकि बना भी निकालना है। तो मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी, पूरी, बूंदी का रायता और मीठा मैंने बाहर से मंगवा लिया था। ये ना बहुत बड़ा पंगा हो जाता है, चूड़ियाँ इतनी सारी मतलब पहन तो ली, अब आटा गूंदना है, वो सारा आटा चूड़ियों में लग जाएगा, इसलिए फिर वापस से निकालना पड़ा, सिर्फ एक कड़ा छोड़ा मेरा। तो बना निकालने में सबसे पहले खाना खाया लड्डू और कर्नब ने, हमें तो वेट करना पड़ेगा भाई चांद आने तक। तो गाइस ये देखो चांद नजर आ गया, वो रा वो रा वो रा, और हम 1 घंटे से छत पे वेट कर रहे हैं। ये देखो हम वेट, मैं तो बोर हो रही हूं, मुझे लग रही है बहुत बहुत जबरदस्त वाली प्यास। और देखो मैं मतलब बोतल अपनी बोतल भी ना यही मंगवा लिया है कि जल दूंगी और ना बोतल से पानी पीऊँ। मैं अपनी बोतल से पानी नहीं पीती ना, मेरी प्यास नहीं बुझती थी, मैं भी ग्लास से पानी पिया ना तसल्ली नहीं हुई मुझे, मैं कह रही हूँ मुझे प्यास लग रही है, बस पानी दे दो, खाना नहीं चाहिए लेकिन पानी दे दो, पानी दे दो। लड्डू चन्ना मामा आ गया, चन्ना मामा जायजा कर ले, चन्ना मामा की जायजा कर ले, आप तो हवा भी बिल्कुल मेरे फिंगर में चंदा हुआ। बताओ आज कौन सा डे है? वेडनेसडे है। अभी बहुत अभी पर थोड़ा सा ओपन ऑफ कर लगाया। भाई साइड पर चला गया। बताओ मुझे बताइए कैसे बनाया सही है। बन के टाइम में बहुत शादी पर टेंशन है। हमारे चांदी के चंदन देते हैं। तो ये जो हमारी बिल्डिंग में रहने वाले हैं वो लोग भी आ गए छत पर जल चढ़ाने के लिए। तो अब करते हैं इस ब्लॉग का एंड, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।